अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विद एन अदर व्लॉग एंड एन अदर वेरी ब्यूटीफुल सनी डे। और आज हमारे पास धूप थी तो मैंने उठते साथ जो है ना मैंने यहाँ कुछ शॉवर दिलाया है, क्योंकि कल हम लोग बाहर भी चले गए और सारा दिन इतनी कोई शदीद ठंड थी और बारिश थी, मैं नहीं दिला सकी। और अभी भी अगर धूप ना होती तो शायद मैं उसको शॉवर ना दिलाती। सो येस, लेट्स स्टार्ट द डे। मनीहा जो है ना नहा चुकी है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं उसको साथ रिकॉर्ड करती सारा कुछ, लेकिन अभी जो है ना मनीहा अपनी कुरान पाक की क्लास ले रही है। और अंजश को जो है ना मैं आके शॉवर दिलाऊंगी। अंजश से हेलो गाइस, अंजश हेलो गाइस, हेलो गाइस। और अभी मैं जल्दी जल्दी मनीहा का लंच बनाऊंगी और नाश्ता इनके लिए, खुद जो है ना मैं सिर्फ आज टी लूँगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। व्हाट हैपेंड? यस ओके, यू गो सिट देयर, थैंक यू, गो सिट देयर। अभी जो है मैंने मनीहा को तैयार किया और हम लोग स्कूल के लिए निकलने लगे थे, और बाहर कोई इतनी शदीद तेज़ बारिश है कि इस बारिश में ना हम अम्ब्रेलास के साथ भी नहीं जा सकते। सो आई विल वेट फॉर सम टाइम। फाइनली जो है वो बारिश रुक गई है, बिल्कुल शुक्र है। और अभी हम लोग स्कूल जा रहे हैं और हम लोग लेट भी हो गए हैं आज बारिश की वजह से। 1 बजे जो है ना वो स्कूल स्टार्ट होता है और 1 बजे जो है वो हम घर से निकले हैं। सो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हम लोग लेट होंगे आज, पर शुक्र है कि बारिश रुक गई है। चलो अल्लाह हाफिज़। वी आर अबाउट टू रीच होम और आज का दिन इतना बुरा गुजर रहा है, कुछ भी अकॉर्डिंग टू द प्लान नहीं हो रहा। व्लॉग मैंने जो है ना वो अभी तक एडिट करके अपलोड नहीं किया। मनीहा ने आज रील बहुत मुश्किलों से रिकॉर्ड करवाई, काफ़ी ज़्यादा उसने तंग किया। और फिर हम स्कूल से भी लेट हो गए, बीच में बारिश भी स्टार्ट हो गई। सो पता नहीं आज का दिन ही कुछ अजीब स्टार्ट हुआ है। लेट्स सी के आगे जो है ना अब क्या सीन होता है सारे दिन में। और अभी थोड़ी देर पहले ऐसे बारिश लगी हुई थी कि सारी आज ही होगी, और अभी दोबारा से जो है धूप निकल आई है। वापस आके जो है ना मैंने कल वाला व्लॉग एडिट किया और अपलोड किया, और अब जो है वो मैं उसको नहलाने लगी हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे मनीहा को लेने। और आज जो है मैंने कुकिंग नहीं करनी, बस शाम को जो है ना मैं थोड़ा सा आलू का भुजिया बना लूँगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सीख कबाब वाली हांडी का सालन पड़ा हुआ है, रात को भी हम लोगों ने नहीं खाया तो वो एज़ इट इज़ जो है ना हमारे पास है। अंजश जो है ना शॉवर लेके रेडी हो गई है, मैंने इसको सॉक्स भी बना दिए हैं, कैप भी पहना दी है, क्योंकि अभी हम मनीहा को लेने जा रहे हैं और बाहर जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। वैसे तो मैंने इसके बाल जो हैं वो ड्राई कर दिए हैं, बट स्टिल जो है ना अभी भी ये नहा के निकली है, तो मैंने इसको सारा पैक कर दिया। और अभी आप लोग विंटर्स में देखेंगे कि मैं बच्चों को ना हर टाइम कितना पैक करके रखती हूँ। चलो लेट्स गो, चलो 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 लेट्स गो। अंजश को नींद आ रही है ना, चलो खाते हैं।
लास्ट मिनट पे जब हम लोग घर पहुंचने लगे तो इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई, मनीहा के सारे कपड़े गीले हो गए। मैंने सोचा कि अम्ब्रेलाज नहीं खोलते अभी पहुंचने लगे, बट स्टिल बारिश इतनी ज़्यादा तेज थी। और अनुष वेट करिए लंच का। हिंदी को क्या हुआ? दिस इज एम्प्टी, दिस इज ओनली रैपर। अपा इसको भी धोने यार। अंजिश ने भी कैप उतारी और बाल सारे नीचे जो है ना वो ऐसे हुए हैं। आपने थैंक यू बोला अपा को? अंजिश आपने थैंक यू बोला? बच्चे जो है ना अभी तक सो रहे हैं और मैंने जो है इतनी देर में एक वॉशरूम साफ़ किया है और मशीन लोड की है मैंने, जो कि मैंने काफ़ी दिनों से नहीं की क्योंकि हमारे पास मौसम ही कुछ ऐसा था। और मतलब जब मुझे मशीन लोड करनी होती है तो मुझे टेंशन हो जाती है कपड़े कैसे सूखेंगे। और हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि मैं जो है ना पाकिस्तान से आके फिर जो है वो ड्रायर लूँगी, उससे पहले जो है ना मुझे इसी तरह से मैनेज करना है जैसे तैसे। और पाकिस्तान जाने के लिए भी हमारे थोड़े से ही दिन रह गए हैं, सो वी आर सो एक्साइटेड कि हम लोग पाकिस्तान जाने वाले हैं। बच्चे सो रहे हो ना तो सारे काम तो हैं वो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। मैंने अभी आलू का भुजिया बनाना था ये मैंने रख दिया है और अब इसको मैं लो फ्लेम पे पकने दूंगी और ये रेडी हो जाएगा। बाकी आकिब जो है ना आते हुए हलाल शॉप से सारी चीज़ें लेके आए थे जो जो चाहिए थी, ये भी मैं समेटूँगी। और ये ना हमें इनके दूसरे ग्रॉसरी स्टोर से शायद नहीं मिलती हैं या पता नहीं, लेकिन ये हम लोग हलाल शॉप से ही लेके आते हैं। चने और दालें भी मुझे चाहिए थी, लोबिया और चने की दाल है और बाकी ये चिकन और मीट वगैरह है। और आटा जो है ना हमें यहाँ पे हर दफ़ा किसी डिफरेंट कंपनी का ही मिलता है, जो हम लोग पिछली दफ़ा लेके आए होते हैं वो अगली दफ़ा हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो वाला आटा हमें नहीं मिलता। और ये जब से हम लोग आए हैं हम लोगों ने पहली दफ़ा देखा है ये वाला, सो लेट्स सी कि अब ये वाला जो है ना कैसा होगा। चम्मच जो है ना मैंने सालन वाला ही इसमें यूज़ कर दिया, सालन भी जो है ना मेरा रेडी हो गया। बस मैंने रोटियां बनानी हैं बच्चों को फ्राइज दे के। आप क्यों नहीं खा रही? ओके अंदर शॉर्ट है, आपने अभी नहीं खाने। ओके शॉश इससे पहले जो मैंने दो रोटियां बनाई हैं ना दोनों आंखों वाली बनी हैं, मतलब दोनों में सुराख हो गए पता नहीं क्यों। और ये जो है ना मैंने अपनी तरफ से छोटी बनाने की कोशिश की है पर ये मुझे इतनी कोई छोटी लग नहीं रही। ये जो है ना आखिरी रोटी मैंने मनीहा के लिए बनाई है। बच्चे और आकिब जो है ना वो लोग नीचे ही हैं, आई एम गोइंग अपस्टेयर्स। और मैंने जो है ना जो दूसरा वॉशरूम एक रह गया था वो साफ़ करना है और उसके बाद जो है ना मैं खुद चेंज करूँगी। मशीन जो है ना मैंने लोड कर दी थी और रन जो है मैं इसको हमेशा रात को ही करती हूँ अंदोश की वजह से। बाकी यार ऊपर से सारे काम ख़त्म करके मैं जो है ना दोबारा से नीचे आई हूँ अभी, एक तो मशीन चलानी थी और दूसरा जो है ना मैंने बच्चों के लिए दूध डालना है। दिस इज़ योर फ्यूचर, दिस वन इज़ दिस। आप आ रही है, चलो आप लेटो, चलो लेट जाओ। पियो, गिव मी द कैप,
सो गाइज लेट्स वाइंड अप द डे ओवर हियर। और आज का दिन जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव था, ऑल दो सुबह मेरा काफ़ी ज़्यादा मूड ख़राब हुआ क्योंकि दिन का स्टार्ट काफ़ी अजीब हुआ था और उसकी वजह से मेरा मूड भी काफ़ी ज़्यादा ऑफ था, बट इट एंडेड सो वेल। काफ़ी सारे काम कर लिए मैंने और आज जो है ना मनीहा काफ़ी ज़्यादा नींद में थी, सो शी इज़ अबाउट टू स्लीप, तो मैंने सोचा कि मैं आज का व्लॉग खुद ही एंड कर देती हूँ। सो येस यू गाइज इंशाल्लाह टुमारो विद अनदर व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट एंड शेयर, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।